टीचर स्टैंड लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस का जो मॉडल है उसमें टीचर का क्या रवैया होना चाहिए क्लासरूम में टीचर का स्टूडेंट के साथ क्या रवैया होना चाहिए टीचर स्टैंस जो है वो बेहद जरूरी है मिसाल के तौर पर जो टीचर है ई और शी शुड अवॉइड पावर स्ट्रगल विद स्टूडेंट प्लीज सी टू इट दैट यू आर इन अ मोर मेच्योर पोजिशन इन द क्लासरूम प्लीज डू नॉट ट्राई टू कम

सो प्लीज नेवर ट्राई टू डीमीन अ स्टूडेंट एंड नेवर ट्राई टू स्कोर अपॉइंट ओवर द स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एरिया ऑफ द स्टूडेंट एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली ये बेहद जरूरी है इसके अलावा जो डिसरप्टिव स्टूडेंट हैं प्लीज ट्राई टू इंगेज तेम इन मोर प्रोडक्टिव रोल्स फॉर एग्जाम्पल जो डिसरप्टिव स्टूडेंट्स हैं ट्राई टू गिव सम लीडरशिप रोल्स सो दैट दे फील इंपॉर्टेंट अगेन ये याद रखें ये जो स्टूडेंट्स हैं वो मिसबिहेव बाजुकात इस वजह से करते हैं बिकॉज देर आर सम अनमेट नीड्स इन द बैकग्राउंड सो अगर आप बच्चों को कोई लीडरशिप रोल दे देते हैं वो बच्चे जो मिसबिहेव कर रहे हैं तो शायद उनसे उनका जो मिसबिहेवियर है वो हार्नेस हो जाए शायद उससे जो मिसबिहेवियर है वो कंट्रोल हो जाए सो प्लीज ट्राई टेकिंग अप दैट स्ट्रेटजी टू हैव अ गुड बिहेवियर इन द क्लासरूम इसके अलावा हैव मोर प्रोडक्टिव वेज टू डील विद स्टूडेंट्स प्रोडक्टिव वेज जो है वो ये है कि आप स्टूडेंट्स को ये महसूस करवाएं दैट दे आर अ वैल्यूड मेंबर ऑफ द ग्रुप इन द क्लासरूम सो प्लीज ट्राई टू यूज मोर प्रोडक्टिव वे टू हैंडल सच स्टूडेंट्स अदरवाइज होता यूं है कि जो बच्चे हैं दे कॉन्टिन्यू डिस्प्लेइंग मिसबिहेवियर्स इन द क्लासरूम दे कॉन्टिन्यू डिस्प्लेइंग अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स इन द क्लासरूम And then you come in a kind of a power struggle with these students, which normally ends up in a very chaotic situation. So please try to avoid such chaotic situations in the classroom by trying to understand the students, by carefully planning your lessons as well as the classroom management strategies. Is that your teachers? Hai, they must recognize the students as important beings in the classroom they must recognize the students as being an important players in the lessons unless students behave accordingly and according to the lessons and according to the desirable behaviors your lesson plan cannot be effective so please try to understand that fact your students say ये बहुत जरूरी है कि हम उनको रोल्स असाइन कर दें हम उनको फील करवाएं दैट दे आर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन देयर ओन लर्निंग और ये हम कैसे कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टीचर्स कैन इंगेज स्टूडेंट्स विद मिस्टेक गोल्स इन टेकिंग अटेंडेंस। स्टूडेंट्स विल ऑटोमेटिकली फील वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो ये फील करेंगे कि क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसलिए टीचर उन पर तवज्जो दे रही है और स्टूडेंट्स की तवज्जो हासिल करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप उनको इंपॉर्टेंट रोल असाइन कर दें स्टूडेंट्स जो है क्लास रूम एंड दो डिस्प्ले अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इन द क्लास रूम गिव एन इंपॉर्टेंट टास्क टू डू लाइक टेकिंग द अटेंडेंस और प्रूफ रीडिंग एंड आंसर की आपने कोई क्लास में टेस्ट लिया है या कोई वर्कशीट स्टूडेंट्स ने की है और जब सबने काम कर लिया है तो आप एक ऐसे बच्चे को कहें कि सामने आए और आंसर की बताए वो बच्चा जो मिसबिहेव कर रहा है अब आपने उसकी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर दिया है टुवर्ड्स अ मोर मीनिंगफुल टास्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपका एक पॉजिटिव स्टैंड है टूवर्ड्स मैनेजिंग द क्लासरूम इसके अलावा आप स्टूडेंट से ये कह सकते हैं कि वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर होमवर्क जो है वो लिखें अगेन यू आर डाइवर्टिंग अ चाइल्ड अटेंशन टूवर्ड्स अ मोर मीनिंगफुल टास्क द चाइल्ड विल नॉट डिस्प्ले अ मिसबिहेवियर इन द क्लास रूम ही और शी विल बी इंगेज इन अ मोर मीनिंगफुल रोल बाय राइटिंग द होमवर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड सो ये थोड़े से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल कर, कर हम जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं